भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में आकांक्षा दुबे समर सिंह पर आरोप लगा रही है रोते हुए। अपने साथ कुछ भी होने पर समर सिंह को वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वीडियो में काफी आहत भी दिख रही हैं आकांक्षा दुबे। कब की वीडियो है फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौत से कुछ दिन पहले आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो की सत्यता की जांच में वाराणसी पुलिस जुटी हुई है। आकांक्षा दुबे मौत के मामले में आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब एक और नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आकांक्षा दुबे रोती हुई नजर आ रही है और समर सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो देखिए ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, आकांक्षा दुबे का ये नया वीडियो कई तरह के सवाल खड़े करता है। समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस वीडियो से क्या समझा जाए? क्या ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे वाकई समर सिंह जिम्मेदार है? सिर्फ देखने को मिला है। पुलिस क्योंकि समर सिंह को लेकर रिमांड पर पूछताछ भी कर रही है और समर सिंह के मोबाइल को भी खंगालने का प्रयास किया गया है और लखनऊ से समर सिंह का मोबाइल बरामद भी पुलिस कर ली है, जिसमें कुछ अहम तथ्य मिले हैं। लेकिन जिस तरह से आकांक्षा दुबे मौत के पहले इस तरह का स्टेटस लगाते हुए समर सिंह को दोषी ठहरा रही है कि उनको अगर कुछ भी कर होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं एक समर सिंह मामले में एक सुराग भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जिस तरह से समर सिंह लगातार ये बातें निकल कर आई थी कि पुलिस से पूछताछ में अपने को बेगुनाह साबित कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वीडियो आने के बाद समर सिंह की बेगुनाही की जो बातें की जा रही थी वो खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। फिलहाल वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने मौत से अपने आत्महत्या करने से पहले कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पर ये वीडियो लगाया था जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस वीडियो को किस तरह से जांच करती है और जांच में किस तरह से तथ्य सामने निकलते हैं। नवीन, हमें पता है कि बहुत दिनों से समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या अभी तक समर सिंह से कुछ पूछताछ हुई है, उसमें कुछ सामने आया? क्योंकि वीडियो कुछ और बयां कर रही है, लेकिन समर सिंह को बेगुनाह कहने वाले लोगों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है। क्या समर सिंह की तरफ से कुछ बताया गया? जी बिल्कुल, लगातार पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है समर सिंह से। लगातार समर सिंह के ठिकानों पर खंगालने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उनके मोबाइल, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि समर सिंह अपने मोबाइल में कुछ वीडियो रखा है जिस वीडियो के माध्यम से आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल करने का काम करता था, तो उस वीडियो के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से भी पुलिस जांच करने में कर रही है। लेकिन अभी तक जो बात निकल के जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि समर सिंह जो पुलिस से जानकारी मिली है कि पुलिस पूछताछ में समर सिंह ने अपने को बेगुनाह बताया है। ठीक है, यानी कि अभी पुलिस की तफ्तीश के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इतना तो तय है कि समर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नवीन, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये वीडियो आकांक्षा दुबे का है, भोजपुरी अभिनेत्री, और रोते हुए इस वीडियो में समर सिंह पर आरोप लगा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।